महामारी बीमारी के चलते समाज सेवी स्वयं सेवी एवं अन्य संगठनों व कौशोधन के परिवार के द्वारा अमानी गंज मार्केट में राहत सामग्री का वितरण कराया गया। इस विकास खंड की सबसे बड़ी मार्केट अमानी गंज में मोनू नवयुवक समाजसेवी के रूप में उभर कर अपनी मार्केट के दाल चावल आटा तेल सब्जी का वितरण लगभग 200 आदमियों को वितरण कराया। मोनू कसोदन के द्वारा अपनी क्षमता अनुसार बहुत अनूठी पहल की, जो अमानी गंज बाजार में इस युवक ने एक मिसाल कायम की है। और कसोदन परिवार ने कहा कि दान दिए थे धन नहीं घटता और गरीब निर्धन असहाय विछिप्त ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर राहत सामग्री का वितरण कराया। खंडासा के उपनिरीक्षक प्रेम शंकर पांडे के नेतृत्व में और उनके अधीनस्थ कर्मचारी हेड कांस्टेबल सरेंद्र राय, दिनेश कुमार यादव, मुंशी यशवीर सिंह और संदीप चौधरी और वितरण के दौरान भरत लाल, अमरनाथ, प्रेम शंकर, अवधेश, भोला, विजय, छोटू गुप्ता, पिंटू राम, दिनेश ननकू, छेदी, ब्रज किशोर, शिवम, छायाकाश, शंकर नाथ दुबे, राजू, आदर्श सिंह आदि तमाम लोग वितरण के दौरान मौजूद रहे। कसोदन का कहना है कि लक्ष्य व ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, एक दिन मंजिल पर चूमेगी आज नहीं तो कल। और यह भी कहा कि इसी प्रकार हमें हमारे मार्केट अमानीगंज के द्वारा कसोदन परिवार के द्वारा सहयोग मिलता रहेगा, एक बहुत बड़ी मिसाल कायम करके दिखाऊंगा और कोरोना वायरस महामारी के बारे में भी जागरूक की बातें बताई। कहा कि स्वयं अपने आप सुरक्षित पहले, फिर दूसरे को सुरक्षित करें, तभी पूरे विश्व का कल्याण होगा। और नमस्कार, मैं बद्री विश्वाल तिवारी, नेशनल खबर 9, जिला चित्तौड़, अयोध्या से। आप देख रहे हैं कि अमानीगंज बाजार में अभी हम पहुंचे हैं और जहां पर हर बृहस्पतिवार की तरह इतना जनसंख्या उमड़ता था कि आने जाने में भी लोगों को बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती थी। हम अभी पहुंचे हैं जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी ग्रामवासियों या क्षेत्रवासियों से यह कहा है कि अपने घरों से बाहर निकलने के लिए बिना किसी परिस्थिति की वजह से, अगर आपकी परिस्थिति चल रही है तो आप अपने ऑनलाइन वेबसाइट माननीय एसएसपी तिवारी जी ने लागू किया है, जो कि आप उसका अपना नंबर या क्षेत्र डालकर वहां अपने सामान को घर पहुंच सेवा उपलब्ध करा सकते हैं। जिस प्रकार हम अभी देख रहे हैं कि यहां पर कुछ दुकानें खुली हुई है जो कि उनका परमिशन लगातार चला रहा है, और जो कि साइड में हम दिखाना चाहते हैं कि ये लोग दूर दूर खड़े होकर अपनी दवाइयाँ ले रहे हैं और दवाई लेने के बाद में उनको सकुशल लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। जहाँ तक आज देखा जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से गरीबों को भोजन की बड़ी असुविधा हो रही है, लोग भोजन नहीं कर पा रहे हैं। हमारे एक समाज सेवी भैया इस क्षेत्र अमानीगंज क्षेत्र में आए हैं, इनका नाम पूछते हैं, क्या नाम है भैया? मोनू कसोदन। क्या आप मतलब लॉकडाउन की वजह से गरीबों की मदद करना चाह रहे हैं? कितने जनसंख्या को आप ये दे रहे हैं? 170। क्या नाम है आपका? सोनू लाल इनका नाम है। और जिस प्रकार भोजन नहीं कर पा रहे हैं, हमारे एक समाज सेवी भैया इस क्षेत्र अमानीगंज क्षेत्र में आए हैं, इनका नाम पूछते हैं, क्या नाम है भैया? मोनू कसोदन। क्या आप मतलब लॉकडाउन की वजह से गरीबों की मदद करना चाह रहे हैं? कितने जनसंख्या को आप ये दे रहे हैं? 170। क्या नाम है आपका? सोनू सोनू लाल इनका नाम है। और जिस प्रकार